दोस्तों जैसा कि अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है और सभी पितरों को खीर का भोग लगाया जाता है तो आज ये खीर कैसे बनती है उसकी रेसिपी मैं आपको बताऊंगी और एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगी दोस्तों कि ये खीर 9 अक्टूबर को आ रही है शरद पूर्णिमा तो उस दिन भी आप रात को बना करके के ज़रूर रखें कहते हैं चांद की रोशनी अगर इस खीर पर पड़े और अगर ये खीर हम खाते हैं तो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होती है तो क्यों ना आज हम ये खीर की रेसिपी परफेक्ट तरीके से कैसे बनती है उसे सीखें और बनाएं तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक किलो दूध लिया है इस दूध को मैंने एक बार गर्म करके रख दिया था इसके साथ ही दोस्तों मैंने आधी कटोरी कणी चावल लिए हैं आप चाहें तो साबुत चावल भी ले सकते हैं बस साबुत चावल का ये ध्यान रखिएगा कि उन्हें आपको एक घंटा पहले भिगा करके रखना पड़ेगा आधी कटोरी मैंने चीनी ली है अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा कर सकते हैं अदरवाइज एक किलो दूध में आधी कटोरी चीनी बहुत होती है आधा छोटी चम्मच जितना इलायची पाउडर लिया है एक चुटकी मैंने येलो कलर जो कि फूड कलर होता है खीर के अंदर आप केसर या फिर इसका यूज़ कर सकते हैं काजू लिए हैं मैंने उसके मैंने कुछ टुकड़े कर लिए हैं बादाम कटिंग ली है पिस्ता कटिंग ली है और ये मैंने कुछ किशमिश ली है एक्चुअल में दोस्तों खीर बना रहे हैं तो ड्राई फ्रूट इसमें कंपलसरी होता है इसी से इसका टेस्ट बढ़ जाता है तो बनाना शुरू करते हैं दोस्तों पैन मैंने गैस पर रखा है इसमें हम हल्का सा एक छोटी चम्मच जितना पानी डाल देंगे उसके बाद हम इसके अंदर ये दूध डाल देंगे दूध को अच्छे से उबाल आने देते हैं तब तक क्या करते हैं दोस्तों जो हमने कढ़ी चावल लिए हैं उसमें पानी डाल करके रख देते हैं दोस्तों दूध में उबाल आ चुका है तो अब हम इसमें जो कढ़ी चावल हमने धो कर के भिगोए थे वो इसके अंदर ऐड करेंगे दोस्तों कढ़ी चावल मैंने इसलिए लिए हैं कि ये फटाफट से कुक हो जाते हैं अगर आप लंबे वाले चावल यूज़ करेंगे तो उनको बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों चावल डालने के बाद आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप इसे ऐसे ही नहीं छोड़ें चम्मच चलाते जाएं और इसको खीर को हिलाते जाएं अगर आप चावल डालने के बाद इसे छोड़ देंगे तो जो चावल है वो नीचे चिपक जाएंगे और खीर जो है हमारी अच्छे से तैयार नहीं होगी तो चलाते हुए अब हमें खीर को बनाना है फ्लेम आप अपने चलाने के हिसाब से हाई या लो रख सकते हैं मैं मीडियम टू लो फ्लेम पर ही बना रही हूँ नहीं तो क्या होगा दोस्तों हाई फ्लेम पर एकदम से दूध उबलने लग जाएगा और दूध बाहर भी आ सकता है तो आप मीडियम टू लो फ्लेम पर ही चावल को पकने दीजिए दोस्तों चावल को दूध के अंदर पकाते हुए मुझे सात से आठ मिनट हो चुके हैं तो आप देख सकते हैं बढ़िया चावल हमारे पक चुके हैं और जो खीर है उसकी कंसिस्टेंसी भी एकदम दूध की गाढ़ी हो गई है तो इसी समय हमें क्या करना है दोस्तों जो हमने चीनी ली है वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे और चलाते हुए चीनी को भी मिक्स करेंगे और इसी के साथ जो हमने ड्राई फ्रूट्स लिए थे वो भी एक एक करके हम इसके अंदर डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स दोस्तों मैंने सारे डाल दिए इलायची पाउडर भी मैं अब इसके अंदर डाल दूंगी तो दोस्तों फाइनली ये खीर हमारी बनकर के तैयार है अब बात रही इसमें कलर की तो अभी मैं इसमें एक दो बूंद फूड कलर डाल रही हूँ और गार्निशिंग में मैं केसर का यूज़ करूँगी तो ये देखिए खीर हमारी बिल्कुल तैयार है तो इसे थोड़ा ठंडा होने के बाद ही हम सर्व करेंगे तो फ्लेम को मैं यहाँ ऑफ़ कर रही हूँ खीर दोस्तों हमारी बिल्कुल तैयार है तो फ्लेम को मैं यहाँ पर ऑफ़ कर रही हूँ और थोड़ा ठंडा करने के बाद ही हम इसे सर्व करेंगे